हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? ओके देखो, ये हमारा सिमिलरिटी पे लेक्चर 3 चल रहा है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और बना दिए। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है, पहले वो उसको देख लें, समझे चीज़ों को और तब आगे बढ़ें। ठीक है, काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। वरना अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये लेक्चर आपको इरिटेट या फ्रस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट के 2 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और इसका आंसर काफी लोगों ने सही भी बताया। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और जिन लोगों ने सही नहीं बताया वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ओके, क्या है कि 2 सर्कल हैं, 2 वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त। ठीक है, इन दोनों में बहुत प्रेम है, एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी त्रिज्याओं का, इनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 3:5, यानी कि डी बी और ई सी का रेशियो दे रखा है 3:5। ये एक्चुअल रेडियस नहीं है, ये इनकी रेडियस का क्या रेशियो है, 3:5। ठीक है, ओके। ए सी की लंबाई दी है 40, यानी यहां से यहां तक की दूरी ए सी, ये कितनी दी है आपको, ये आपको 40 दी है। ठीक है, और आपसे डी ई की लेंथ पूछी, यानी कि आपसे डी ई की लेंथ पूछी है। कैसे करेंगे? जब भी इस टाइप का फिगर एग्जाम में देखे कि ये ऐसे 2 सर्कल दिख रहे हैं, उनके ऊपर टेंजेंट वगैरह खींची जा रही है, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, वहां पे हमेशा सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा। यहां पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये ए डी बी जिसपे मैंने रेड रेड किया, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए ई सी, ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एंगल एक कॉमन, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सी ई के। सब कुछ समझ में आया? वेरी गुड। जब ये सिमिलर हो गया और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो 3:5 आ रहा है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड डी बी और ई सी में रेशियो 3:5 आ रहा है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और ए सी में भी रेशियो 3:5 का आएगा कि नहीं? ए बी और ए सी में भी रेशियो कितने का आएगा, 3:5 का रेशियो आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? अरे क्लियर है भाई, ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए ई सी की ए बी और ए सी करस्पॉन्डिंग साइड है, और इनमें रेशियो 3:5 का आएगा, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5:5। अगर 5:5 की वैल्यू 40 है तो 1:8 है, तो 3:5 कितनी होगी, 24, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ए बी की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 16। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। कोई दिक्कत है किसी को? अरे मैंने 40 को 3:2 के रेशियो में ब्रेक कर लिया, कोई दिक्कत है किसी को? ओके, अब ये 24 है, 16 है। अब देखिए, ये पॉइंट बी इस सर्कल का सेंटर है, पॉइंट सी इस सर्कल का सेंटर है, और ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 16 है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को भाई भाई स्पर्श करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, और इनकी रेडियस का रेशियो है 3:5, यानी कि इस सर्कल की रेडियस और इस सर्कल की रेडियस दोनों का रेशियो कितना है, 3:5, और टोटल डिस्टेंस है 16 है, तो 3:5 यानी कि ये 3:5 दूरी, ये 5:5 दूरी, तो 8:5 दूरी हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, 8:5 की वैल्यू कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर 8:5 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है तो 1:5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 3:5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और 5:5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, यानी कि इन सर्कल की एक्चुअल रेडियस कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल की एक्चुअल रेडियस है 6 और 10, 6 + 10 16, और रेशियो 3:5 का बनना है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आया समझ में? अब आपको निकालना है डीई, तो डीई कैसे निकालेंगे, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, एडी बी और ए ई सी सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि एडी और AE में भी 3:5 का रेशियो होगा, कोई दिक्कत है? इनपे 3:5 का ही रेशियो होगा। अब ये 6 और ये 10 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AEF, देखिए AEF, AEF इस तरीके से है, ये आपकी दूरी A, सॉरी AEF नहीं, ACE, ACE, ठीक है, ये दूरी आपकी 40 है, ये आपकी 10 है, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी हो जाएगी, AE कितना हो जाएगा, √40² - 10² √40² - 10² का मतलब कितना होता है, √1500, और √1500 का मतलब कितना होता है, 10√15, यानी कि AE की लंबाई यहां से यहां तक की दूरी AE कितना आ गया, 10√15 आ गया। AE
टेन अंडर रूट 15। आई थिंक यहां तक आपको सबको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ए की वैल्यू टेन अंडर रूट 15 है और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, डीई, डीई क्या है, ए का 2/5 है, यानी कि 2/5 कर दोगे, 250 तो है भाई, 3:5 रेशियो, तो 2 रेशियो बचा, 5 में से 2 रेशियो, 2/5, 2/5 ऑफ ए, यानी कि 10 अंडर रूट 15। क्लियर है? 5 से 10 2 बार कट गया, और 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 15, यानी कि आपकी डीई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अंडर रूट 15। यही इस सवाल का उत्तर है। एक इसका और सिंपल सा तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, 2 अंडर रूट R1 R2, वो बाद की चीज है, अभी आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे क्वेश्चन करने से पहले अब हम एरिया बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम एक थ्योरम देखते हैं, एक प्रमेय देखते हैं, थेल्स प्रमेय। ये आप सब लोगों ने 10वीं में पढ़ी होगी, ठीक है? तो देखते हैं क्या है थेल्स प्रमेय, थेल्स बाबा क्या बोलते हैं। सपोज एक ट्राइंगल ABC है, एक त्रिभुज ABC है, किसी भी त्रिभुज में अगर मैं किसी एक साइड BC के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचता हूं, ऐसे मैंने एक लाइन खींची BC के पैरेलल इस टाइप से DE, यानी कि DE जो है BC के पैरेलल है, समानांतर है, जो अदर अन्य दो साइड यानी कि AB और AC को पॉइंट D और पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइन DE अदर दो साइड को, जो अदर दो साइड बची AB और AC, इनको समान रेशियो में डिवाइड करती है। समान रेशियो में कैसे डिवाइड करेगी, AD रेशियो DB बराबर वही होगा जो AE का रेशियो होगा EC से, यानी कि AD रेशियो DB बराबर AE रेशियो EC। ये है आपकी सिमिलर थिल्स प्रमेय। थिल्स बाबा ने इसको बताया था, क्या है स्टेटमेंट, कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। अगर हम किसी त्रिभुज में एक साइड के समांतर रेखा खींचे जो दूसरी अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान रेशियो में विभाजित करती है। अब इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं कैसे। अब देखिए ट्राइंगल, यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ट्राइंगल ए डी ई और बड़ा वाला ट्राइंगल, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैसे, एंगल ए तो दोनों में कॉमन हो गया, एंगल ये दोनों में कॉमन हो गया, और ये एंगल यानी कि एंगल ए डी ई एंगल ए बी सी के इक्वल हो गया। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल डिटेल में समझा रखा है मैंने। और ये एंगल ए ई डी एंगल ए सी ई के इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो गए, यानी कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो बराबर कोणों के सामने की भुजाओं का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ट्राइंगल ए डी ई में ए डी, ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, ए बी, ए डी से ए बी का रेशियो बराबर। और ए ई, पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल लिख रहा हूं ए डी ई, और फिर उस ए ई के करस्पॉन्डिंग क्या है बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में, ए सी। क्लियर है? छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए के सामने क्या साइड दे रखी है आपको, डी ई, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए के सामने क्या दे रखा है आपको, बी सी। ये तीनों रेशियो बराबर होंगे। यहां पे ये जो चीज है, ये भी आपकी थेल्स थ्योरम का एक मिनी स्टेटमेंट है, ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी, यानी कि ए डी बाई ए ई बराबर ए ई अपॉन ए सी। कोई दिक्कत है किसी को? अरे ठीक है, अब देखिए हमको ये प्रूफ करना है, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। तो कैसे करेंगे, यहां पे ऐसा करते हैं कि इसको रिवर्स कर लेते हैं, ए बी बाई ए डी बराबर ए सी बाई ए ई। कोई दिक्कत नहीं किसी को? दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, ए बी माइनस ए डी, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा ए बी माइनस ए डी, नीचे ए डी बराबर ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई। क्लियर? ए बी, ए बी माइनस ए डी क्या है, अगर मैं ए बी में से ए डी को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, डी बी बचेगा कि नहीं, डी बी अपॉन ए डी बराबर ए सी माइनस ए ई। कितना हो गया, ए सी माइनस ए ई हो गया आपका ई सी अपॉन ए ई। इसको मैं फिर से उल्टा कर देता हूं, यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी,
यही आपकी थेल्स थ्योरम है जो आपको प्रूफ करनी थी, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, यानी कि अगर मैं किसी भी त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल, त्रिभुज की किसी भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, तो वो अदर अन्य दो भुजाओं को उस समान रेशियो में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, थेल्स थ्योरम है, ठीक है। अब हम सिमिलरिटी पे क्वेश्चन करेंगे, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कैसे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये बात मैं आपको पहले प्रूफ करके बता चुका हूं, अब क्वेश्चन उसी पे बेस्ड करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, इस तरीके से ना बहन भैया की तरह है, ये ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल हैं, जिनके एरिया कितने कितने दिए हैं आपको, 288 और 242 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ए सी की लंबाई 13.2 है तो डी एफ की लंबाई पूछिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं यानी कि एरिया अगर, तो इनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू, आपको यहाँ पे ए सी और डी एफ की जरूरत पड़ेगी, तो ए सी करस्पॉन्डिंग साइड क्या आपकी डी एफ, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, बेसिक प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्राइंगल की। ए बी सी का एरिया दिया आपको 288, डी ई एफ का एरिया दिया है आपको 242, और ए सी की लंबाई दी आपको 13.2, और डी एफ की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशन करनी है सिंपल। इसको 2 से काट लेते हैं, 144 बटे 121 हो जाएगा, फिर दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 12 बटे 11, 140 का अंडर रूट 12 और 121 का अंडर रूट 11, तो 12 बटे 11 बराबर हो जाएगा 13.2 अपॉन डी एफ, क्लियर। 12 से 13.2 1.1 बार कट जाएगा, तो डी एफ बराबर 11 इंटू 1.1 यानी कितना जाएगा 12.1 सेंटीमीटर, ये आपकी डी एफ की लंबाई आ गई, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, ओके। अरे समझ में आया कि नहीं, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही गरीब क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक फिगर दिख रही है ऐसी उठपटांग सी, इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए पी ओ और ये बी ओ क्यू, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल कितना दिया आपको 90 डिग्री, ये एंगल क्या दिख रहा है 90 डिग्री, और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, एंगल ए ओ पी और एंगल बी बी ओ क्यू आपस में बराबर होंगे क्योंकि वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, तो तीनों एंगल बराबर हो गए तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, यानी कि ट्राइंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ क्यू, और सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। आपको पीओ की लंबाई दी है 12, आपको ओक्यू की लंबाई दी है 9, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओक्यू, क्लियर है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के, तो आपको सिर्फ ओपी और ओक्यू से मतलब होगा, बराबर ओपी अपॉन ओ क्यू का होल स्क्वायर, यार जो करस्पॉन्डिंग साइड दे रखी हो ना, जो जिनकी वैल्यू दे रखी हो आप सिर्फ उन्हीं का रेशियो लिखोगे, ओपी अपॉन ओ क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12/9 यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 16/9। अरे समझ में आया कि नहीं, ओपी की जगह 12 रख दी, इसकी जगह 9, 4/3 16/9, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल ए ओ पी का एरिया निकालना है, ट्राइंगल ए ओ पी का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और ट्राइंगल बी ओ क्यू का एरिया कितना दिया आपको 153, ठीक है, और ये 16/9 एज इट इज, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 9 से 153 कितनी बार कट जाएगा, 17 बार, 17 * 153, 17 का पहाड़ा याद करो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी कितना जाएगा, 17 * 16, 17 * 16 272 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन, ठीक है, सबको समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज वो होता है जिनमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और समांतर भुजाओं के बारे में, समांतर लाइन के बारे में एक बहुत ही सैड लव स्टोरी है कि उनमें बहुत कुछ कॉमन होता है लेकिन वो फिर भी कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती, बहुत दुख की बात है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम ज्यादा दुख मनाएंगे नहीं,
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज है, और पी और क्यू साइड ए बी और साइड डी सी पर दो पॉइंट हैं। ए पी पी बी का रेशियो दिया है आपको 1:5, ए पी और पी बी का रेशियो दिया है आपको 1:5, डी क्यू और क्यू सी का रेशियो दिया है आपको 7:2। डी क्यू और क्यू क्यू सी का रेशियो कितना दिया आपको? 7:2। ओके ठीक है, ए पी रेशियो पी बी और डी क्यू रेशियो क्यू सी दे रखा है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी की लंबाई सी डी के बराबर होगी। ए बी क्या है? ए पी प्लस पी बी, और सी डी क्या है? डी क्यू प्लस क्यू सी। यहां से ए बी की वैल्यू आ रही है 6:1, 1+5 6:2। यहां से डी सी की वैल्यू आ रही है 7:2 9:, लेकिन ए बी और सी डी की लंबाई तो बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों रेशियो को इक्वल बनाएंगे। बट लड़के यहां पे गलती कर देते हैं कि आपको पहले इस रेशियो को क्या करना है, इक्वल बनाना है। ठीक है, तो इनको इक्वल बना लेते हैं, 6:9, तो इसको 18 बना लेते हैं। ठीक है ना, 6 9 का LCM 18 होता है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। तो ए पी रेशियो पी बी यहां से आ जाएगा 3:15, और यहां से आ जाएगा 7 × 14:4। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अरे क्लियर है ना? ठीक है, यानी कि ए पी की वैल्यू अगर 3:3 है तो पी बी की वैल्यू 14:1, अगर डी क्यू की वैल्यू 14:1 है तो क्यू सी की वैल्यू 4:1। अब ये देखिए, ए बी भी 18 बन, सॉरी हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? सॉरी ये 15 है। ए पी की वैल्यू 3:, पी बी 15:, डी क्यू 14:, क्यू सी 4:1। देखिए दोनों अब 18 18 बन गया। अब यहां पे देखिए, ये जो ट्राइंगल आपको क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ये जो ट्राइंगल ए ओ पी और ये जो ट्राइंगल डी ओ क्यू है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल कैसे है? क्योंकि ये एंगल तो आपस में बराबर हो गए दोनों में, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये दोनों क्या है? पैरल लाइन है। पैरल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल ये इक्वल होंगे, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए। यानी कि ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल डी क्यू ओ आपस में क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल हो गए। सिमिलर ट्राइंगल हो गए यानी कि इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो गया। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ क्यू इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए पी और डी क्यू है, ए पी और डी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड हम लेते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन इन्हीं की दी है, ए पी और डी क्यू के स्क्वायर। ए पी की वैल्यू 3:1 है, डी क्यू की वैल्यू 14:1, यानी कि हो जाएगा 3/14, 3/14 का स्क्वायर। क्लियर है? 3/14 का स्क्वायर यानी कि 9, और 14 का स्क्वायर 196। कोई डाउट है किसी को? ये इनके एरिया का रेशियो आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्राइंगल एओपी का एरिया 27 यूनिट बोला है। इस ट्राइंगल एओपी का एरिया 27 यूनिट बोला है, तो आपसे ट्राइंगल डीओक्यू का एरिया पूछा है। ट्राइंगल एओपी का एरिया 27 यूनिट बोला है, यानी कि क्या करना है? 3 गुना करना है। अगर ट्राइंगल एओपी का एरिया 3 गुना यानी कि 27 यूनिट है, तो ट्राइंगल डीओक्यू का एरिया भी 3 गुना यानी कितना हो जाएगा? 578, सॉरी 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि डी ओ क्यू का एरिया कितना आ गया? 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट। हाँ बच्ची, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई, एबीएसी पे दो पॉइंट है, ठीक है, और एम और एन, बीडी और ईसी पे दो पॉइंट है, और एडी और डीएम का रेशियो दिया है आपको 3:2। एडी और डी एम का रेशियो कितना दिया आपको? 3:2। और डीएम और एम बी का रेशियो कितना दिया है आपको? डीएम और एम बी का रेशियो दिया है आपको 6:7। क्लियर है? अब देखिए, यहां पे डीएम यहां पे 2 रेशियो आ रहा है, यहां पे डीएम 6 रेशियो आ रहा है। तो इस रेशियो को कंबाइंड करने के लिए क्या कर लेते हैं? यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डीएम को इक्वल कर लेते हैं ना, तो आ जाएगा 9:6। यानी कि आपका एडी रेशियो डीएम रेशियो डी एम बी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9:6:7। कोई दिक्कत है किसी को? एडी की वैल्यू अगर 9 है तो डीएम की वैल्यू 6 है और एम बी की वैल्यू 7 है। सबको समझ में आया? एडी की वैल्यू कितनी होगी? 9। एडी की वैल्यू अगर 9 है और डीएम की वैल्यू 6 है, तो एएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ध्यान से देखेंगे,
और ये 9 6 15 7 22 यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू नहीं है रेशियो है, 15 22 रेशियो, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 रेशियो। मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपके ए डी ए डी रेशियो ए एम रेशियो ए बी, इनकी रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 9:15:22, 9:15:22 ये आ गई इनकी रेशियो की वैल्यू, ए डी ए डी ए एम और ए बी। आप देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये जो आपको यहां पे तीन तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, तीन तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है ना, अपने नैन थोड़े तेज करो, ये जो ए डी ई और ये ए एम एन और ए बी सी, ये तीन तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि ये आपकी डी ई एम एन और बी सी ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्वेश्चन में लिखा नहीं है वैसे ही सिमिलर है, ठीक, सॉरी ये पैरेलल लाइन है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ए डी ई ए एम एन और ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि आपका ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए एम एन, ट्राइंगल ए एम एन और ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर बराबर होगा। ए डी ई के लिए 9, ए एम एन के लिए 15 और ए बी सी के लिए 22 करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना होगा, 9:9:15:22, ये होगा कि नहीं, क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, ओके। 9 का स्क्वायर हो गया यहां से 81, ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ये ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए एम एन और ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का रेशियो आ गया, समझ में आया यहां तक सबको, ठीक है, ओके। अब आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया, क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल डी ई एन एम करिए 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया, चतुर्भुज डी ई एन एम की वैल्यू कितनी बताई है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया। अब डी ई एम एन है क्या, डी ई एम एन है ये वाला क्वाड्रिलेटरल, डी ई एम एन ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया 432 बताया, तो ये क्वाड्रिलेटरल आएगा कहां से, अगर आप ए एम एन के एरिया में से ए डी ई का एरिया माइनस कर दोगे, ए एम एन के एरिया में से ए डी का एरिया माइनस कर दोगे, पॉइंट ए है, ठीक है, ए एम एन के एरिया में से ए डी का एरिया माइनस कर दोगे, यानी कि ए एम एन का एरिया 225 यूनिट, ए डी ई का एरिया 81 यूनिट, इसमें से अगर माइनस करोगे तो 285 माइनस 81 कितना आता है 144 यूनिट, 144 यूनिट आएगा डी ई एम एन का एरिया, जो कि 432 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, यानी कि यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वाड्रिलेटरल एम एन सी बी का एरिया पूछा, यानी कि आपसे इस चतुर्भुज का एरिया पूछा है एम एन सी बी का, तो एम एन सी बी का एरिया कैसे निकालोगे, पूरे ट्रायंगल, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से ए एम एन ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका ये चतुर्भुज एम एन बी सी बच जाएगा कि नहीं, तो पूरे क्वाड्र, पूरे ट्रायंगल का एरिया है 484, इसमें से 225 माइनस करोगे तो आपके चतुर्भुज ए एम एन सी बी का क्षेत्रफल कितना बचेगा, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 गया 6 और ये कितना बचेगा 269, कितना बचेगा 260 सॉरी 259, 7 में से 2 गया 5, ठीक है 259 यूनिट बचेगा, कितना बचेगा 259 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 259 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 3, तो 259 इंटू 3 कितना होता है 25 से 75 9 27, यानी कि 777, 777 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई डाउट है किसी को, अरे क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पे आपके एम एन बी सी का एरिया कितना आ गया 777 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया कहां से, एम एन सी बी का एरिया क्या है, पूरे ट्रायंगल ए बी सी के एरिया में से आपने ए एम एन का एरिया माइनस कर दिया तो कितना बचा, ए बी सी का एरिया था 484 यूनिट, ए एम एन का एरिया था 225 यूनिट, 484 में से 225 माइनस करा तो एम एन सी बी का एरिया कितना बचा 259 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 259 यूनिट की वैल्यू 777 सेंटीमीटर हो जाएगी, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रायंगल दिखाया है और ये ट्रायंगल थोड़ा थक गया तो लेट गया है,
कोई दिक्कत नहीं है, हम लेटे लेटे सॉल्व कर देंगे। क्या बोला है, इस त्रिभुज में लाइन सेगमेंट बी ए डी ई और एफ जी एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये बी ए, ये डी ई और ये एफ जी, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और द लेंथ ऑफ सेगमेंट बी डी डी एफ और एफ सी आर इन द रेशियो 1:2:3, यानी कि बी डी डी एफ और एफ सी, ये जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखा खंड है, ये 1:2:3 के रेशियो में है लेंथ वाइज। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? और आपसे क्या पूछा है, ये शेडेड रीजन, ये जो छायांकित क्षेत्रफल है, और ये अनशेडेड रीजन जो है, इनके एरिया का रेशियो पूछा है। शेडेड रीजन टू अनशेडेड रीजन के एरिया का रेशियो पूछा है। अब देखिए, अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये तीनों, ये क्या हो, यहाँ पे सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं सिमिलर। जैसे ये जो है ट्राइंगल जी एफ सी, ट्राइंगल ई डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, तीनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों में एंगल, तीनों ट्राइंगल में एंगल सी तो कॉमन ही है। बाकी पैरेलल लाइन की बेसिक प्रॉपर्टी से तीनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आपके एफ सी की वैल्यू 3:1 है, तो आपके डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5:1, और आपके बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6:1। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां से मैं लिख देता हूं, एफ सी रेशियो डी सी रेशियो बी सी कितना आ गया, ये आ गया रेशियो 3:5:6। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़े दुख की बात है। तो यहां पे क्या बोला है, अब यहां पे तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पे ट्राइंगल जी एफ सी, ट्राइंगल ई डी सी और ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का रेशियो अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ट्राइंगल जी एफ सी रेशियो, एरिया का रेशियो लिख रहा हूं मैं यहां पे, ट्राइंगल ई डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, इनके एरिया का रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो इनके एरिया का रेशियो को इनके करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि एफ सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि 3:5:6। क्लियर है? 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। क्लियर है? ये इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया, और आपको क्वेश्चन में रेशियो ही पूछा है। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे। अब देखिए, ट्राइंगल जी एफ सी का एरिया 9 यूनिट है, ट्राइंगल ई डी एफ, ट्राइंगल ई डी सी सॉरी ट्राइंगल ई डी सी का एरिया 25 यूनिट है, और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 36 यूनिट है। तो देखिए, अब आपको शेडेड रीजन टू अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, ट्राइंगल एफ जी सी, ट्राइंगल एफ जी सी का एरिया कितना है, 9 यूनिट, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 9 यूनिट, और ट्राइंगल ई डी सी का एरिया कितना है, 25 यूनिट, यानी कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना बचा, 25 - 9 कितना बचा, 16। शेडेड रीजन का एरिया कितना बचा, 16। कोई दिक्कत है किसी को? भाई, छोटे वाले ट्राइंगल जी एफ सी का एरिया 9 यूनिट है, बड़े वाले ट्राइंगल ई डी सी का एरिया 25 यूनिट है, यानी कि शेडेड रीजन का एरिया कितना बचा, 16। सबको समझ में आया, 16 बचा। अब देखिए, ये ट्राइंगल ई डी सी का एरिया 16 + 9 टोटल 25 यूनिट है, पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 36 यूनिट है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ए बी डी, इसका एरिया कितना बचा, 11 बचा कि नहीं, 11 + 16 = 27 और 9 = 36, क्योंकि पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना है, 36। सबको समझ में आया, घटाना तो जानते हो, अगर दिक्कत है तो मैंने एक फॉर्मूला मतलब डंडो वाला इजाद किया है, पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी तो वो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, सबको समझ में आया? अब देखिए, आपको शेडेड रीजन से अनशेडेड रीजन के एरिया का रेशियो पूछा है, तो शेडेड रीजन का कितना है, 16, अनशेडेड रीजन का एरिया कितना है, टोटल 11 + 9 = 20, तो शेडेड रीजन से अनशेडेड रीजन का रेशियो कितना आ गया, 4 * 16, 4 * 5 = 20, 4:5। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो हम थोड़ा ज्यादा बड़ी स्माइल करेंगे। सबको समझ में आया, इजी है। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं थक गया, ठीक है? और ये आपके एसएससी मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि यहां पे आपको दो सर्कल दिए, दो वृत्त दिए, इनकी रेडियस बराबर है, इक्वल रेडियस के हैं, ठीक है, इक्वल रेडियस के हैं, और ये ए बी क्या है, टेंजेंट खींची गई है, ए बी क्या है, टेंजेंट खींची गई है, तो ये टेंजेंट पॉइंट है, ए और बी क्या है, टेंजेंट पॉइंट है।
टेंजेंट पॉइंट से लाइन खींची गई है ऐसे जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, इसी इस सर्कल के टेंजेंट पॉइंट से एक लाइन खींची गई है जो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, और इस तरीके से यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्राइंगल एपीबी और एक ट्राइंगल सीपीडी। इनके एरिया का रेशियो पूछा है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। जब एग्जाम में आया था तो दिमाग काम नहीं किया था कि इसमें होगा क्या, लेकिन यहाँ पे एक सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को सपोज मैं नाम दे देता हूँ एम, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सपोज एन, अगर मैं यहाँ से ऐसे मिलाऊं तो ऐसे मिल सकता है कि नहीं? मैंने डायमीटर मिला दिया भाई ए से एम, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, टेंजेंट पॉइंट और सर्कल की रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, सबको पता है। अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो ऐसे मिलेगा, बी और एन को मिलाऊं, मेरी चित्रकला थोड़ी खराब है तो ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे मिलेगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ओके, अब देखिए मैंने मान लिया दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है, तो मैंने सर्कल की रेडियस 1 यूनिट मान ली, यानी कि ओ एम कितना हो गया 1, ओ एम कितना हो गया 1, तो आपका बी एन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है। अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना, ये जो आपको यहां पे जो ट्राइंगल दिख रहा है सी ओ एम, ये जो ट्राइंगल सी ओ एम दिख रहा है, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है सी बी एन, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? क्योंकि इन दोनों में ये एंगल सी तो कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री के, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, दो दो एंगल बराबर हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो कितने का आ रहा है? 1:2 का रेशियो आ रहा है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड में 1:2 का रेशियो आ रहा है, तो इनकी साइड सी एम और एम एन में रेशियो भी 1:2 का ही आएगा, यानी कि सी एम और एम एन में 1:2 का रेशियो होगा, यानी कि एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि सी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, और एम एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 यूनिट। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं? सी एम कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और एम एन कितना हो जाएगा 1 यूनिट। फिर से समझो, ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं सी ओ एम और सी बी एन, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हो गए? क्योंकि ये एंगल कॉमन और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के सिमिलर हो गए, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो 1:2 का बन रहा है, यानी कि सी एम और सी एन में भी 1:2 का रेशियो बनना चाहिए, यानी कि ये 1 यूनिट है, तो ये भी क्या होना चाहिए? आपका 1 यूनिट होना चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं? अब देखो सिमिलरली, सिमिलरली देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल ओ डैश एन डी है, ये वाला जो ट्राइंगल है ओ डैश एन डी, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए एम डी, ये भी सिमिलर हो गए, क्योंकि इनकी करस, ये भी क्या हो गया? सिमिलर, क्योंकि ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये 90 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल, और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड में भी जो रेशियो है वो भी कितने का है? 1:2 का रेशियो है, यानी कि एन डी और एम डी में भी 1:2 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि एन मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। क्लियर है? सबको समझ में आया? अब ये ए बी एम एन का एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल एक आयत बन गया, क्योंकि चारों एंगल क्या बन गए? 90 डिग्री के। अगर एम एन की वैल्यू 1 यूनिट है तो ए बी की वैल्यू भी क्या होगी? 1 यूनिट होगी। अरे होगी कि नहीं? ए बी की वैल्यू भी क्या होगी? 1 यूनिट। अगर एम एन की वैल्यू 1 यूनिट है तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट। अब ए बी की वैल्यू 1 यूनिट है और सी डी की वैल्यू 1+1+1, यानी कि टोटल कितनी है? 3। अच्छा क्वेश्चन है। सी डी की वैल्यू 1+1+ कितनी है? 3 यूनिट। ठीक है, ये जस्ट रेशियो है। अब आपके ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल सी पी डी सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? आपस में बराबर, और ए बी और सी डी क्या है? आपस में पैरेलल है। ठीक है ना? पैरेलल है क्योंकि टेंजेंट है, पैरेलल है तो टेंजेंट है, तो ये क्या है? आपस में सिमिलर ट्राइंगल हो गए ए पी बी और सी पी डी। अगर सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3:2, क्योंकि ए पी बी की साइड अगर 1 लेते हैं तो सी पी डी में करस्पॉन्डिंग साइड कितनी आ रही है? 3, यानी कि 1:9। 1:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, अब ये आपका सेशन एंड हो गया। ठीक है, ओके, सो चीज़ों को रिवाइज कीजिए, पढ़ लीजिए, खाना खाइए, फिर सो जाइए, फिर हंसिए, फिर खेलिए, फिर कूदिए, फिर उठिए, फिर से पढ़िए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।